Assalamu alaikum, welcome back to Radiology Vibes. This is Rimsha Sadiq. So, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनोमली स्कैन. एनोमली स्कैन क्या होता है, एनोमली स्कैन कब करवाया जाता है और इसके जो है कौन कौन सी एनोमलीज हमें बेबीज़ में मिलती हैं सोनोग्राफी के लिए, अल्ट्रासाउंड पे वो एनोमलीज किस तरह से नज़र आती हैं. तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे. तो अगर तो एनोमली स्कैन की बात की जाए कि हमें ये अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए, तो ये 18 से 23 हफ्ते के दरमियान आपको एनोमली स्कैन करवाना चाहिए और जिसमें जो है वो आपको बेबीज़ की एनोमलीज पता चलती हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ पता चलती हैं, जिसको आम जुबान में हम बड़ा स्कैन भी कहते हैं कि आप जो है वो बड़ा अल्ट्रासाउंड करवा लें. उसमें आपको बेबी के बारे में एनोमलीज़ बताई जाएंगी, एबनॉर्मेलिटीज़ बताई जाएंगी कि जो है वो अभी आपके फीटल पार्ट्स, बेबी के ऑर्गन्स अच्छे से डिवेलप हैं या नहीं हैं. इस वीडियो में मैं आपको बेसिक सा ओवरव्यू दूंगी कि हमने सोनोग्राफिकली कौन कौन सी बेसिक एनोमलीज़ कैच करनी होती हैं, पकड़नी होती हैं. तो डिटेल लेक्चर एक एक एनोमली पे मैं फर्दर मोर इंशाल्लाह अपलोड लाजमी करूँगी. दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू. तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके. तो चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. तो एनोमली स्कैन आपने 18 से 23 हफ्ते के दरमियान करवाना होता है. सोनोग्राफिकली जो हम रेडियोलॉजी में टर्म्स यूज़ करते हैं वो हैं हमारे पास जो कि हमने ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाना होता है. तो इसके अलावा हम इसको टीफा स्कैन भी कहते हैं. टीफा मींस टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज़, कि आपने बेबी की एनोमलीज़ को देखना है. तो नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें कि हमारे पास रेडियोग्राफिक फीचर्स क्या होते हैं, अल्ट्रासाउंड पर हमने बेसिक ऑर्गन्स कौन कौन से टारगेट करने होते हैं, किन ऑर्गन्स को हमने उनमें हमने एनोमलीज़ को देखना होता है. तो एज़ यू नो कि हमारे पास जो बेसिक पार्ट्स हैं वो हमने हेड देखना होता है बेबी का, कि बेबी के हेड में कोई मसला तो नहीं है, उसमें सब जो है वो चीज़ें अच्छे से डिवेलप हैं या नहीं है. हमने HC काउंट करना होता है. ये बेसिक कुछ मेजरमेंट्स हैं जिनको मेजर करके हमने एक तो उनके साइज़ देखना होता है और दूसरा उनमें स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशंस देखनी होती हैं, उसके स्ट्रक्चर्स की एबनॉर्मेलिटीज़ को कैच करना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो है वो HC देखेंगे, हेड सर्कमफ्रांस देखेंगे. इसके अलावा हम फीटल वेट देखेंगे, बायपेराइटल डायमीटर को कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, देन उसमें हम उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ को देखेंगे. एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, ये कुछ बेसिक मेजरमेंट्स हैं जो हमने ऑब्स के स्कैन में लेनी होती हैं और इन्हीं में एबनॉर्मेलिटीज़ को रूल आउट करना होता है. सो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस हम लेते हैं. एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप IUGR को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें ये काफ़ी हेल्प आउट करता है. सो नेक्स्ट हमने लेना होता है फीटल लेंथ. फीटल लेंथ हमने उसको अच्छे से मेजर करना होता है. अब फीटल लेंथ आपने किस तरह से मेजर करना है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है. उसको मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी. वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर लीजिएगा. दिस इज़ द बेसिक इमेज जो कि डिफ़ाइन कर रही है कि हमने फीटल लेंथ, फीमर लेंथ किस तरह से लेनी होती है और जो है वो BPD, HC, हेड सर्कमफ्रेंस किस तरह से लेना होता है. सो इस इमेज में बात करें तो अगेन ये जो है वो नॉर्मल एनोमली आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ये हमारे पास नॉर्मल BPD, बायपेराइटल डायमीटर, हेड सर्कमफ्रेंस, हेड की इमेज है सोनोग्राफिकली. तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो एबनॉर्मेलिटी शो नहीं हुई हुई. तो अब देखें अगर हम इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ को देखें तो देखें हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर हमें जब तक नहीं पता होगा तब तक हम इसका जो है वो एबनॉर्मलीज़ भी नहीं पकड़ सकते. सो दिस वन इज़ द इमेज ऑफ अगेन बायपेराइटल डायमीटर, AC, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और फीमर लेंथ की है कि हमने इस तरह से लेना होता है. फर्दर मोर हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ पे और इसके सोनोग्राफिकल फीचर्स पे.
सो जब हम मेयर करते हैं फीटल हेड को देखते हैं तो हमने फीटल स्कल देखना होता है कि स्कल अच्छे से बना है या नहीं बना, उसमें जो है वो आपको स्कल की बोन नज़र आ रही है कि नहीं, क्योंकि समटाइम्स जो है वो एक्सेंसेफली हो जाता है, एनसेफली हो जाता है, हाइड्रोसिफलिस इज़ वेरी कॉमन, वेंट्रिकल्स आप अच्छे से देखेंगे, कैमन सेप्टम पे जो है वो उसको देखेंगे, पोस्टीरियर फोसा उसका ब्रेन का देखेंगे, सिस्टर्ना मैग्ना देखेंगे और नकल फोल्ड की थिकनेस देखेंगे। तो ये तो हमारे पास बेसिक जो है वो समझ लें कि टारगेटेड पॉइंट्स हैं जो हमने देखने होते हैं और इन्हीं में से हमने एबनॉर्मेलिटीज़ को देखना होता है। मैं एक अलग से जो ऑब्स की फीटल एनोमलीज़ हैं, फीटल स्ट्रक्चर है नॉर्मल सोनोग्राफिकली, उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगी ताकि आपको बेसिक जो सोनोग्राफिकल एनाटमी है वो पता चल सके और देन फिर आप उससे एनोमलीज़ को फाइंड आउट कर सकें। सो दिस वन इज़ इमेज ऑफ डायलेटेड वेंट्रिकल्स, एज यू कैन सी कि वेंट्रिकल्स बहुत डायलेट हुए हुए हैं, तो जो है वो ये उसकी इमेज है। इस इमेज की बात करें तो अगेन जो है वो आपको इसमें हेमिस्फीयर दिखाया गया है, सिस्टर्ना मैग्ना दिखाया गया है और जो है वो इसमें आपको वेंट्रिकल अच्छे से प्रोमिनेंट हैं आपको दिखाए गए हैं। दिस वन इज़ द बेसिक एनाटॉमी और जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर आपको सोनोग्राफिकली दिखाया गया है। इन्हीं में आपको जो है वो एबनॉर्मेलिटीज़ मिलती हैं जब आप इसमें कोई जो है वो इरेगुलर स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट हम इस इमेज की बात करें तो मैंने बताया था कि हमने नकल ट्रांसल्यूसेंसी भी देखनी होती है, एंटी स्कैन जिसको हम कहते हैं वो भी देखना होता है। अब यहाँ पे जो है वो नॉर्मल थिकनेस और इंक्रीज्ड, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम, तो आप इसको अच्छे से रूल आउट करोगे। सो फर्स्ट इमेज जो है वो नॉर्मल नकल ट्रांसल्यूसेंसी की है और जो सेकंड इमेज है उसमें नकल जो है वो थिक आपको नज़र आ रही है और फीटस को जो है वो डाउन सिंड्रोम हुआ हुआ है। सो एज़ यू कैन सी वेरी क्लियरली इन दिस इमेज। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फेशियल एनोमलीज़ क्या हो सकती हैं बेबीज़ में जो हम एनोमली स्कैन में पिक कर सकते हैं, तो आपने फीटल फेस प्रोफाइल देखनी है, नेज़ल बोन देखें, फीटस के फेस के ऑर्बिट्स देखने हैं, लेंजेस देखने हैं, अपर लिप और जो है वो पैलेट का मसला तो नहीं है, जिसको हम अपर लिप जो है वो उसको कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं, वो मसला तो नहीं आ रहा, मैंडिबल्स का मसला तो नहीं आ रहा, उसकी कोई एनोमली तो नहीं आ रही। फर्दरमोर जो है वो नेक्स्ट इमेजेस में इसको बताती हूँ। अगेन आई वांट टू मेक श्योर कि दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स एंड जो नॉर्मल पर्सन्स हैं वो भी अच्छे से इसको समझ सकें। सो आई ट्राई माय बेस्ट के जितना भी है इन सारी बातों को जो है वो सिंपली करके डिफाइन किया जाए, सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको बताया जाए। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि जो है वो कौन सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको नेक्स्ट के इस बारे में वीडियो चाहिए। सो अगेन दिस वन इज़ द इमेज ऑफ एब्सेंट नेजल बोन। इस फिटस में जो नाक की हड्डी है वो नहीं बनी हुई, जो कि एक मेजर एनोमली है, हमने जो एनोमली स्कैन में पिक की है नेजल बोन नहीं है। दिस वन इज़ द क्लेफ्ट पैलेट, आप देख सकते हो कि उसके लिप का जो है वो आ रहा है, इसको भी हम सोनोग्राफिकली पिक कर सकते हैं एनोमली स्कैन में। अब फीटल चेस्ट की एनोमलीज हम देखेंगे, फीटल हार्ट और चेस्ट को देखेंगे कि हार्ट के फोर चैम्बर्स बने हैं या नहीं बने, उसमें एसडी रेशियो देखेंगे, उसका फ्लो देखेंगे, हार्ट को अच्छे से हमने करना है, फीटल एको भी हम जो है वो करवा सकते हैं अगर देर इज एनी एनोमली। फीटस की स्पाइन को हम अच्छे से देखेंगे कि जिप लाइक अपेरेंस स्पाइन की है या नहीं है और स्पाइन में जो है वो कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा। आप जैसे कि जानते हो कि जिस तरह से रेलगाड़ी की पटरी होती है उस तरह से स्पाइन के मतलब डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, जिप लाइक अपीयरेंस होनी चाहिए ऑन अल्ट्रासाउंड। एब्डोमिन में जो है वो हम लिवर पे फोकस करेंगे, स्टमक देखेंगे, किडनीज देखेंगे, इसके अलावा जो है वो एब्डोमिनल वॉल देखेंगे, फीटल जेंडर हम इसमें देखेंगे कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही, टेस्टिस में कोई मसला तो नहीं आ रहा, स्टमक में कोई मसला तो नहीं है, साइटस इन्वर्सेस देखेंगे कि बेबी में इस तरह से ये एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही। इसके अलावा हम एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखेंगे। ये इमेज जो है वो फीटल किडनीज की इमेज है, फीटल किडनी जो है उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस शो की गई है और इस इमेज में देखें तो आपको दोनों किडनीज अच्छे से विजुलाइज हैं फीटस के। अगेन दिस वन इज़ द इमेज ऑफ क्लेफ्ट पैलेट।
सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोज़. अल्लाह हाफिज़.